Hey guys, welcome back to another video. So this video is all about this box. And ये box मैंने second vlog में आपको guess करने के लिए बोला था इसमें क्या है. हालांकि अगर आपको इसमें दिखा है तो ठीक है, और नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं, आप thumbnail वही देख करके ही आए हैं. So basically आपने इसका पहला shot थोड़ा सा देख लिया होगा. So इसका unboxing पहले आपको दिखा लेते हैं, चलिए. सो दिस इज़ द Amazon Solimon Chef Knife, और काफ़ी इम्प्रेसिव लुक के साथ आता है ये, और इतना इम्प्रेसिव कि पहले नज़र वाले प्यार के लिए ये काफ़ी है. सो अनबॉक्सिंग तो आपने चेक कर लिया, अब बेसिकली आपके पास ये वीडियो कंटिन्यू करने का क्या रीज़न है. तो पहले मैं इसका काम दिखा दूं, बाद में इसके बारे में बताऊंगा. तो पहले आप इसका शार्पनेस इंजॉय कर लीजिए कि ये कितना शार्प है, और आप इसको देख लीजिए. फिर उसके बाद आप इसके बारे में आपको जानने का इच्छा है या नहीं आप वो चूज़ कर लीजिएगा. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो इस नाइफ की शार्पनेस अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो इतने दूर में ही पसंद आ गया है और इसको आप नाइफ को बाय करना चाहते हैं तो आप लिंक चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इसका परचेजिंग लिंक मिल जाएगा. सो पहले बैठ लेते हैं आराम से, उसके बाद बात करते हैं कि इस नाइफ के फीचर्स क्या हैं. सो बात करेंगे Amazon Solimon के सेफ नाइफ के बारे में. सो पहले इसका प्राइसिंग के बारे में आते हैं. सो इट्स प्राइसिंग इज़ अराउंड 499, यानी कि 500 रुपीज़. अब बात करते हैं इसके ब्लेड के ऊपर. सो ब्लेड जो है कार्बन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और जैसा कि मैंने पुराने अपने नाइफ वाले वीडियो में भी बताया है. सो व्हाट इज़ कार्बन स्टेनलेस स्टील? सो स्टेनलेस स्टील आपने कॉमनली सुना होगा. सो एक डॉप्ड वर्जन होता है जो कि नाइफ के यानी कि किसी भी मेटल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको इंक्रीज करता है, यानी कि उसमें कार्बन का पार्टिकल्स को डॉप किया जाता है जिससे कि मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. तो ये वो है. दूसरा इसके हैंडल पे आते हैं. तो ये प्लास्टिक पॉलीमर का इसका हैंडल है जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप देता है, और 3 पॉइंट्स पे इस ये नाइफ से कनेक्टेड है. ठीक है, अब बात करते हैं इसके बैलेंसिंग पॉइंट के बारे में. ठीक है, तो बैलेंसिंग पॉइंट इज़ समवेयर हियर. अब बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. पहले लेट मी बैलेंस इट फर्स्ट. सो देयर इज़ द बैलेंसिंग पॉइंट. सो यहाँ पे से आपको इसे पकड़ना है. अब आप बोलेंगे कि इसे बार बार क्या मैं इसे नापू तोलू. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. आपको एक हैबिट होने के बाद ये आपको खुद से ही पकड़ना आ जाएगा. ठीक है, सो नाइफ पकड़ने का बेसिक तरीका ये होता है, पहले ही बता दूँ. ये बहुत अच्छा ग्रिप पकड़ने का तरीका है, आप कटने फटने से और ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने से बचेंगे. दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, अगर आप ये आज तक करते थे तो इस वाले चीज़ के प्रैक्टिस कीजिए अगर आप एक कुकिंग एंथुजियास्ट हैं. तो अब बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में. तो इसका जो लेंथ है ये 8 इंचेस इसका ब्लेड का लेंथ है, एंड 5 इंचेस इसका हैंडल का लेंथ है. अब बात करेंगे इसके एज के बारे में. तो ये देखिए, एज इसका जो है काफ़ी पॉइंटेड एंड शार्प एज है. ठीक है, और जैसा कि आपने देखा होगा Amazon का जो एक और Solimon का ही एक और नाइफ है, सॉन्टको नाइफ, द जैपनीज नाइफ. सो वो जो है आपका ऐसा नहीं है. ठीक है, पॉइंटेड एज नहीं है. दिस उसका शेप लाइक ऐसा है और फिर ऐसा है. ठीक है, तो उस नाइफ का और इस नाइफ में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा. और अगर आप वो वीडियो चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और नहीं तो आप चैनल पेज पर जाकर के भी देख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन इसका वेट अब मैं आपको बता दूं, इसका वेट है 222 ग्राम्स. सो वेट का क्या फैक्टर होता है एक नाइफ के साथ? सो अगर आप पुराना वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो वेट का फैक्टर मैं बता देता हूं. सो अगर कोई भी नाइफ आप यूज़ करते हैं तो उसमें अपना खुद का वेट होना चाहिए ताकि बहुत ही स्मूथ कटिंग हो सके. यू शुडंट हैव टू लाइक जो 10-15 रुपए वाला किचन नाइफ होता है उसे रगड़ने की तरह आपको यूज़ ना करना पड़े. ठीक है, बहुत स्मूथ कटिंग हो. और आपने चाइनीज़ क्लीवर का नाम सुना होगा जो कि सबसे हेवी वेट का आता है, और कॉमन लैंग्वेज में यू कैन लाइक आपने ऐसा सुना होगा उसका नाम चापड़. ठीक है,
तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो पर्पसली ये तीन पर्पस के लिए बेसिक यूज़ है इसका। तो जैसा बोला जाता है, एक इसका स्लाइसिंग, ठीक है, मतलब कि चीज़ों का, मतलब कि स्मॉल साइजेस स्लाइस काटने के लिए, ठीक है। दूसरा है मिंसिंग, यानी कि जैसे शॉर्टकट में बोलूँ तो कीमा जैसा करने के लिए, ठीक है। और थर्ड यूज़ मैं आपको बताऊँ तो वो हो गया आपका चॉपिंग, यानी कि जैसे आप क्यूब्स कटिंग करते हैं या वगैरह, ठीक है। अब इससे आप बोलोगे मिंसिंग कैसे करेंगे, तो वो आपने कभी देखा होगा मूवमेंट, एक जगह पे स्टैटिक रख करके ऐसे 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 नाइफ को मूव कराया जाता है, और जो भी मतलब कि गार्लिक एंड जिंजर या चॉप किया रहता है उसको और फाइन काटा जाता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं इससे। सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अमेजोन सोलिमोस चेफ नाइफ। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से सारा कुछ वाकिफ हो चुके हैं, और यूसेज काफ़ी इसका बढ़िया है मेरे हिसाब से, यू शुड गो फॉर इट। अब आप लोग पूछेंगे कि जैपनीज नाइफ लें या ये नाइफ लें, सो इसका आंसर ना आपको इसके शेप पे ही मिल जाएगा, ठीक है। दोनों के शेप में आपने डिफरेंस देखा होगा, और बेसिकली यहीं पर डिफरेंस देखा होगा। सो और एक और डिफरेंस भी है इस जगह पर, ठीक है, दोनों में बताता हूँ। सो बेसिकली पहले उस पर आते हैं जिस पर ये आपका आगे है, तो जो पॉइंटेड एज है उससे आपको क्या फीचर मिलता है कि आप डीपर कट लगा सकते हैं और काफ़ी शार्प, मतलब कि फाइन काम आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको डीपर कट लगाना है या फिर डीबोनिंग करना है, मतलब कि हड्डी आपको फ्लैश से अलग करना है, सो ये ज़्यादा बेटर है उसके लिए। सो अब बात करते हैं सोलिमो किस में आ गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा सोलिमो पे यहाँ पे गैप्स एंड पॉकेट्स बने हुए हैं, सो उसका भी अपना फीचर है। क्यों? तो जैसे जब भी उसमें लाइक पनीर वगैरह या चीज़ वगैरह या कुछ भी स्टिकी जैसे आप उसको काटेंगे, तो होता क्या है ना कि उसमें स्टिक नहीं होता है, वो एयर पॉकेट्स उसको हेल्प करते हैं ताकि वो नाइफ से स्टिक ना करे, ठीक है। तो उस वाले फीचर में वो आ गया। और बाकी बात करें तो बोथ द नाइफ्स आर गुड एनफ। सो अगर आप मेरे से ये आंसर चाहते हैं कि दोनों में से बेटर कौन है, सो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, बस इसमें थोड़ा सा एक जो फ्लुएंट क्या पॉइंटेड एज का जो फीचर है वो थोड़ा सा अच्छा है इसमें, सो यू कैन गो फॉर इट टू। बट मेरे हिसाब से मैंने सोलिमो भी काफ़ी हद तक यूज़ किया है और मेरे लिए वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं अभी भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये भी बता दूँ कि जब मैंने वो वीडियो बनाया था मैंने उसे तभी लिया है, और उस समय से लेकर के अब तक वो बहुत अच्छा चल रहा है। और एक और बात, एक मिथ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लोग सोचते हैं कि नाइफ शार्प है, मतलब पता नहीं क्या ब्रह्मास्त्र ले लिया है या क्या, कि वो अनंत काल तक शार्प ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई शेफ भी है, अगर वो नाइफ अपना यूज़ करता है तो रेगुलरली दे पीपल शार्प देयर नाइफ, ठीक है, वो कंटिन्यूसली शार्प करते हैं। तो अगर आपके पास शार्प करने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी अपने नाइफ को ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, डेली नहीं, मैं ये भी बता दूँ डेली नहीं, ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब कुछ इंटरवल में आप भी अपने नाइफ को थोड़ा थोड़ा करके शार्प कर सकते हैं। वरना नाइफ ही है, मतलब कुछ बहुत बड़ा हथियार तो नहीं है कि कभी इसका शार्पनेस जाएगा ही नहीं। आप कितने भी अच्छे नाइफ ले लो, उसका शार्पनेस कभी ना कभी डाउन होगा। सो उसी लिए तो आपको शार्पनर दिया जाता है कि आप नाइफ को धार कर सकें। सो होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, और आपको सोलिमो के सेफ नाइफ के बारे में एक क्लियर कट डिस्क्रिप्शन मिल गया हो। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और हेल्प अस ग्रो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।